आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर स्मारकों को तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि ये प्रयास हर घर तिरंगा मुहिम को निश्चित ही मजबूत करेगा। ASI ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले भारत के रंगों में सराबोर कुछ स्थलों की हवाई फुटेज सहित तस्वीरें साझा की है। केंद्रीय संस्कृति मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शनिवार को ट्वीट किया, तिरंगामयी धरोहर हर घर तिरंगा मुहिम के तहत ASI ने तिरंगों के रंगों से भारत भर के सभी स्मारकों को रोशन किया। उन्होंने ASI द्वारा जगमगाते स्मारकों का एक छोटा वीडियो भी साझा किया, जिसके बाद PM मोदी ने मीनाक्षी लेखी का ट्वीट साझा करते हुए कहा, हमारी अमूल्य विरासत और तिरंगा, ये प्रयास निश्चित रूप से हर घर तिरंगा मुहिम को मजबूत करेगा। इस बीच आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दिल्ली नगर निगम के मुख्यालय सिविक सेंटर पर राष्ट्र ध्वज की दो विशाल छवियों को दर्शाया गया। इसके अलावा दोनों झंडों की प्रत्येक छवि के नीचे बड़े अक्षरों में MCD लिखा है, जो आगंतुकों और राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि स्वतंत्रता के 75 साल पूरे होने और हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए MCD मुख्यालय श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविक सेंटर पर राष्ट्रीय ध्वज दर्शाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर हर घर तिरंगा कैंपेन में करोड़ों देशवासी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ये कैंपेन शुरू किया था। विदेशों में भी प्रवासी इस कैंपेन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त ने प्रवासी भारतीयों से इस कैंपेन में भाग लेने का आह्वान किया था। ब्रिटेन में 15 लाख से ज्यादा प्रवासी भारतीय रहते हैं। ब्रिटेन में भारत के कार्यवाहक उच्चायुक्त सुजीत घोष ने प्रवासी भारतीयों से सोमवार को भारत के स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले इस सप्ताह हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, असमादित्य।